भारत सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन के अनुसार 20 अप्रैल से सरकारी कार्यालयों में कार्य करने की अनुमति के बाद सभी सरकारी कार्यालयों में कामकाज शुरू हो गया है, लेकिन कार्यालयों में कर्मचारियों के शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगाई जा रही है जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। इसके तहत नगर निगम में भी महापौर के कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग देखा गया। वहीं नगर आयुक्त ने भी अपना कामकाज पूरी तरह से शुरू करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किया। फिलहाल नगर निगम में कर्मचारी शासन के निर्देशानुसार पूरी तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपना काम करते हुए नजर आए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह एवं महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, सबको स्वास्थ्य विभाग को जो अपने सुपरवाइजर लोग हैं उनको दे दे ताकि सभी 70 वार्ड में बढ़ जाए, सभी सुपरवाइजर को दे दिया जाए। सफाई कर्मचारी ही लगा है, उनका सुरक्षा बहुत जरूरी है। अपने जो सफाई कर्मचारी जो झाड़ू लगाते हैं मेन जगह जाते हैं पूरे जगह। हाँ एयर वेंटिलेशन की दिक्कत हो रही है। गई है कि लोगों का आवश्यक काम रुके ना, इस दृष्टि से उसका पालन हम लोग भी कर रहे हैं। वास्तव में नगर निगम का कार्यालय कभी बंद नहीं था क्योंकि अत्यावश्यक सेवाओं में आता है, हम लोग लगातार काम में लगे हुए थे। यह भी आवश्यक है कि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन से जो अच्छे परिणाम मिल रहे हैं उसको देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बनाई रखी जाए। तो यहाँ पर जैसा कि शासनादेश में निर्देश है, उच्च अधिकारी समूह का और समूह का के अधिकारी 100% आ रहे हैं, जबकि समूह का के लोगों में 30% से 40% 30% उनकी हाजिरी रखी जा रही है जिससे कार्य भी प्रभावित ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रहे। तो इस लिहाज से लोगों को ये कहा गया है कि एक रोस्टर बना दिया गया है कि ये अमुक दिन को यहाँ पर कार्यालय में ये काम करेंगे, उसके अगले दिन ये काम करेंगे, और जो आज काम नहीं कर रहे हैं उनकी ड्यूटी अलग से कंट्रोल रूम में भी लगाई गई है। तो लगभग सारे लोगों से काम लिया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन की जा रही है। इस दृष्टि से ये रोस्टर बनाया गया। सर अक्सर हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। साथ में मुझे यह भी कहना था कि लोगों को ये प्रेरित किया जा रहा है हमारे कर्मचारियों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से हम लगातार प्रेरित कर रहे हैं कि जो सेवाएं उन्हें ऑनलाइन सर्विसेज से मिल सकती हैं उसके लिए ऑनलाइन ही वो अप्लाई करें तो अच्छा होगा। उसके लिए उनको भौतिक रूप से आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लॉकडाउन का पालन भी होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन होगा, उनका कार्य भी हो जाएगा। तो आपने जैसा पूछा, टैक्स बिल्कुल ऑनलाइन जमा हो सकता है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन जारी किया जाएगा, जो भी सेवाएँ नगर निगम की ऑनलाइन उनको मिल सकती है, या कोई समस्या है उनकी वो भी ऑनलाइन हम लोग निस्तारण कर रहे हैं। ऑनलाइन वो समस्या अपनी नोट करा दें IGRS के माध्यम से, CM मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से, CM पोर्टल पर वो आ जाती हैं। हमारा एक कंट्रोल रूम काम कर रहा है, इसके अलावा प्रशासन का कंट्रोल रूम काम कर रहा है जहाँ हमारा एक नुमाइंदा बैठता है। तो कोशिश ये की जा रही है कि लोगों की फिजिकल प्रेजेंस कम से कम और ऑनलाइन से हम लोग सर्विस दे सकें। ऑनलाइन से तो काफ़ी रात जनता सोशल डिस्टेंसिंग लेकर के जी ऑनलाइन से सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो सकता है। और हाँ बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, किसी को टैक्स जमा करना हो, तो इस तरह की सेवाएं ऑनलाइन वो दी जा सकती हैं। वो ऑनलाइन जाकर टैक्स भी जमा कर सकता है अपने बैंक के खाते के माध्यम से, ऑनलाइन वो अप्लाई कर सकता है जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, ऑनलाइन ही उसका अपलोड कर दिया है जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र। तो इसको लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है और तमाम सेवाएँ हम ऑनलाइन ही दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जी के आदेश पर सभी सरकारी कार्यालय खोले गए हैं, उसी तरह से नगर निगम भी कार्यालय हमारा खुला हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी अपने अपने ड्यूटी पर हैं और जो भी काम है जनता की भलाई के लिए उसको अपने पूरी मुस्तैदी से कर रहे हैं।
नगर निगम का ऐसा काम है कि कभी भी बंद नहीं हुआ, लेकिन हमारे जो ऑफिशियल वर्क हैं वो पेंडिंग पड़े थे और सरकार के आदेश पर कुछ कर्मचारी जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पर काम कर रहे हैं, हमारे सभी अधिकारी भी मौजूद हैं और पूरा हम लोग नज़र शहर पर रखे हुए हैं कि कहीं भी किसी तरह के नगर निगम के जो काम है, नाली सफाई हो या कूड़ा निस्तारण हो, इस पर हम लोग हमारे सभी कर्मचारी काम कर रहे हैं। अभी हमने नगर आयुक्त को निर्देश दिया है कि मार्केट के अंदर जहां घनी आबादी है, सभी बड़े नाले को पूरी तरह से साफ सफाई करा लिया जाए कि बाद में बरसात के दिनों में कोई कठिनाई हो। वो काम भी बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। साथ ही सफाई कर्मचारियों के लिए 1000 मास्क आर्य अग्रवाल ने दिया है, उसको हम लोग सफाई कर्मचारियों में जोन वाइज वितरित करेंगे। कोई भी कर्मचारी, हमारा सफाई कर्मचारी, बिना मास्क का काम नहीं करे, ये मेरा पूरा निर्देश है। उसके पास अगर मास्क नहीं है तो नगर निगम से उपलब्ध ले ले, अपने प्राप्त